हेलो फ्रेंड्स, आज हम आर्डुइनो को प्रोग्राम करने के लिए XOD IDE का इस्तेमाल करेंगे। XOD उसी तरह है जैसे हम स्क्रैच में ब्लॉक्स यूज़ करके प्रोग्रामिंग करते हैं। जब आप XOD का प्रोग्राम ओपन करोगे तब आपको इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। इसे क्लोज करके नया प्रोजेक्ट खोलने के लिए फाइल न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कीजिए। आपको अपने कंप्यूटर से पहले आर्डुइनो को जोड़कर फिर XOD का प्रोग्राम ओपन करना चाहिए ताकि वह आर्डुइनो को ठीक से डिटेक्ट करे और प्रोग्राम को अपलोड करने में कोई परेशानी ना हो। कंप्यूटर से जोड़ने पर आपके आर्डुइनो के बोर्ड पर पावर वाला LED ऑन दिखाई देगा। अब हम इसमें आर्डुइनो का ब्लिंक प्रोग्राम बनाएंगे। XOD के वर्कस्पेस में कहीं पर भी क्लिक कीजिए और उसके बाद कीबोर्ड पर आई बटन दबाइए। इससे एक सर्च बॉक्स खुलेगा, उसमें LED टाइप कीजिए। दिखने वाले रिजल्ट्स में से LED वाला ब्लॉक चुनिए। अब आपके स्क्रीन पर LED नाम का ब्लॉक दिखाई देगा, उसे सेलेक्ट कीजिए। अब स्क्रीन के लेफ्ट कॉलम में देखिए, वहाँ नीचे के हिस्से में इंस्पेक्टर लिखा होगा। वहाँ पर दो नाम दिखाई देंगे, पोर्ट और LUM यानी ल्यूमिनोसिटी। पोर्ट के सामने वाले ब्लॉक में क्लिक कीजिए और उसमें 13 टाइप कीजिए। यह आर्डुइनो के बिल्ट इन LED का पोर्ट है। हम LUM की वैल्यू में कोई चेंज नहीं करेंगे। अब हमें एक ब्लॉक और चाहिए। पहले की तरह स्क्रीन पर क्लिक करके फिर आए दबाइए और सर्च बॉक्स में स्क्वेयर टाइप कीजिए। दिखने वाले रिजल्ट्स में से स्क्वेयर वेव चुनिए। अब स्क्वेयर वेव नाम का ब्लॉक आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसे ड्रैग करके LED के ब्लॉक के ऊपर की ओर रख दीजिए। इसमें आउट नाम की पिन है, उस पर क्लिक करके माउस पॉइंटर को नीचे की ओर खींचें तो एक लकीर खींचती हुई दिखेगी। इस लकीर को LED के LUM वाले पिन से जोड़िए। अब इस प्रोग्राम को सेव कर लीजिए। अब हम इस प्रोग्राम को अपलोड करेंगे। इसके लिए डिप्लॉय अपलोड टू आर्डुइनो पर क्लिक कीजिए। आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पर आपको आर्डुइनो के बोर्ड का मॉडल और उसका पोर्ट दिखाई देगा। पोर्ट के नाम में आर्डुइनो LLC लिखा होना ज़रूरी है। ऐसा ना होने पर सीरियल पोर्ट के नीचे क्लिक कीजिए और लिस्ट में से आर्डुइनो LLC वाला नाम चुनिए। अगर इस तरह का नाम लिस्ट में ना दिखे तो आपको XOD का प्रोग्राम क्लोज करके दोबारा ओपन कर लेना चाहिए। सही मॉडल और पोर्ट देखकर फिर अपलोड बटन पर क्लिक कीजिए। अब आपको स्क्रीन के निचले हिस्से में हरे रंग का प्रोग्रेस बार दिखाई देगा। पहली बार यह कुछ ज़्यादा समय लेगा। आखिर में आपको अपलोडेड सक्सेसफुली इस तरह का मैसेज दिखाई देगा। अब आपके आर्डुइनो के बोर्ड पर LED ब्लिंक होती हुई दिखाई देगी। तो इस तरह से आप आर्डुइनो के बोर्ड पर XOD के IDE से प्रोग्राम बनाकर उसे अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ और प्रोग्राम्स बनाकर हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।